हरियाणा में हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, कालका से कई बार विधायक रहे चंद्रमोहन आज अपने 21 सदस्यों की टीम के साथ पंचकुला जिले की समस्याओं को लेकर अनिल विज को मेमोरेंडम देने पहुंचे, जिनके साथ नगर परिषद पार्षद भी मौजूद रहे। चंद्रमोहन 21 सदस्य डेलीगेशन के साथ गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे और अनिल विज को अपनी समस्याएं बताकर मेमोरेंडम सौंपा। बता दें, आज हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। बंद कमरे में पहले चंद्रमोहन ने अकेले में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, बातचीत की। बंद कमरे में मुलाकात के बाद चंद्रमोहन काफी खुश नजर आए। वे बाद में बाहर आकर साथ आए अपने 21 सदस्य डेलीगेशन को भी अनिल विज से मिलवाया। वे एक ज्ञापन अनिल विज को सभी ने मिलकर सौंपा। डेलीगेशन ने अनिल विज को पंचकुला जिले की समस्याओं से अवगत करवाया। आए हुए सभी पार्षदों ने अनिल विज को जिले की समस्याओं के बारे में बताया। अनिल विज डेलीगेशन की समस्याओं को सुनकर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन देते दिखाई दिए। लगभग एक घंटा चंद्रमोहन अपने डेलीगेशन के साथ अनिल विज की कोठी पर रुके। मुलाकात के बाद चंद्रमोहन ने मीडिया को बताया कि वे अपने जिले के नगर निगम व नगर परिषदों के पार्षदों के साथ पंचकुला की समस्याओं को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिले हैं और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने जल्द ही एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। आज हमारा 21 सदस्यीय डेलीगेशन आदरणीय श्री अनिल विज से मिला था, जिसमें हमने पंचकुला की जो लोकल बॉडीज की दिक्कतें हैं, कॉरपोरेशन की, हेल्थ की और पुलिस की, हमने इनके समक्ष रखी और मुझे पूरा आश्वासन दिया इन्होंने कि वो कार्रवाई करेंगे और एक चीज़ पे तो इन्होंने हमारे सामने कार्रवाई की, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। क्या कार्रवाई कीजिए बता देंगे? ऐसे कोई भी मिल सकता है। मैं सारे हरियाणा का मंत्री हूँ और आज उन्होंने वहाँ पर पंचकुला की कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं, जो रखी हैं मैं उन पर कार्रवाई करूँगा सबके ऊपर। खबर नवा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।